हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बातें करेंगे अपनी एग्रीकल्चर इनकम की कंसेप्ट्स की। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसको हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं और कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। दूसरी बात, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो पार्शली एग्रीकल्चर है और पार्शली नॉन एग्रीकल्चर है। नॉन एग्रीकल्चर है मतलब टैक्सेबल है, उनको हम बिजनेस इनकम मानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, रबर का बिजनेस, कोई असेसी है, कोई व्यक्ति है जो टी ग्रो भी करता है प्लांट्स और उसके बाद उसको प्रोसेस भी करता है अपनी फैक्ट्री में। जो हमारे पास टी आती है वो प्रोसेस टी आती है, यानी कि दैट पर्सन इज कैरिंग बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहा है और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहा है। तो उसकी इनकम को हम किस तरीके से बाइफरकेट करते हैं बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम अपनी एग्रीकल्चर इनकम को किस तरीके से कंसिडर करते हैं अपना टैक्स पर्पस, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। आई एग्री कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, बट हम लोग उसको जब भी हम अपना किसी भी अपनी दूसरी इनकम का टैक्स निकालते हैं और हमारी एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही होती है तो उसको हम कंसिडर करके देखते हैं कि हम किस स्लैब रेट में जाने वाले हैं। उसकी बातें भी हम इस चैप्टर में करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्रीकल्चर इनकम रिविजन। अगर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर, दिस इज ऑन पेज नंबर 5.29। आपके पास ऑलरेडी ये बुक है डाउनलोडेड, आपको डाउनलोड कर लिया होगा, आपको rajatmoga.com से ये बुक मिल जाएगी। यू कैन ईजली डाउनलोड दिस बुक। ओके, सो एग्रीकल्चर इनकम इनकेस, सबसे पहली चीज़ है और जो आपको समझनी होगी, अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी फ्रॉम इंडिया से आ रही है, अगर विद इन इंडिया आ रही है तो दैट कुड बी एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट होती है। बट इन केस आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी असेसी के ऑस्ट्रेलिया में फार्म्स हैं या श्रीलंका में फार्म्स हैं या किसी भी जगह पर आउटसाइड इंडिया से अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम आती है, वो एग्जम्प्ट नहीं होगी, वो टैक्सेबल होती है, वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारी फॉरेन एग्रीकल्चर से जो इनकम आएगी दैट इज टैक्सेबल अंडर IFOS, जो इंडिया से इनकम हम अर्न करते हैं दैट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), वो 10(1) में एग्जेम्प्ट होती है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, द पर्सन, अगर वो बेसिक ऑपरेशंस कर रहा है लैंड के ऊपर, बेसिक ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, उस लैंड को सबसे पहले उसको प्रिपेयर कर रहा है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उसको प्रिपेयर कर रहा है, उसके बाद उसमें सीड्स लगा रहा है, प्लांटेशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिक ऑपरेशंस। और उसके बाद हमें पता है एक बार बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो फिर हम सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करते हैं लाइक कटिंग, हार्वेस्टिंग एटसेट्रा। तो एक बार प्लांट ग्रो हो गया दैट इज, अभी तक हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म हुए दैट इज एग्रीकल्चर। प्लांट ग्रो होने के बाद फिर उसकी कटिंग जब होती है, हार्वेस्टिंग होती है, उसको हम सब्सिक्वेंट ऑपरेशन बोलते हैं। इनकेस अगर असेसी दोनों चीज़ें कर रहा है, बेसिक ऑपरेशन भी कर रहा है और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी कर रहा है, तो दोनों ऑपरेशंस को हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ही बोलेंगे और इनकम एग्जेम्प्ट करेंगे अगर वो इंडिया से आ रही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो इनकेस इंडिया से आ रही है तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, इंडिया के बाहर से आ रही है तो ऑफ कोर्स पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, राइट। इनकेस अगर असेसी सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कर रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी है, वो कंपनी प्लांट ग्रो तो नहीं करती है बट वो फार्मर्स की हेल्प करती है उनकी कटिंग वगैरह करने में, फार्मर्स इस चीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं तो वो कंपनी फार्मर से पैसे चार्ज करती है, यानी कि वो लोग भी खेत में जाकर काम कर रहे हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज, राइट, वो अपने वर्कर्स को भेजते हैं बट वो सिर्फ कटिंग या फिर हार्वेस्टिंग में ही इन्वॉल्व है, बेसिक ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं। तो इनकेस असेसी सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कर रहा है तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, उसको आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी का पार्ट मत मानिएगा, उनका नॉर्मल बिजनेस है और नॉर्मली ही उसको टैक्सेबल कीजिएगा, करेक्ट। तो बेसिक ऑपरेशंस ऑन लैंड एग्रीकल्चर इनकम हो गया, बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट दोनों ऑपरेशंस कर रहा है सेम पर्सन तो भी एग्रीकल्चर इनकम हो गया, बट इफ असेसी इज परफॉर्मिंग ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस देन वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगा, राइट। थर्ड थिंग, जिन लोगों का नर्सरी बिजनेस होता है, मैं यहाँ पर बच्चों वाली नर्सरी की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ जिनका प्लांट्स का बिजनेस होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके शहर में, जिस जहाँ पर आप रहते हैं, आपके आसपास कुछ ऐसी शॉप्स होंगी जहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं, उनको हम कहते हैं नर्सरी बिजनेस, राइट। उनके पास एक शॉप होती है या फिर एक बड़ा सा गार्डन टाइप वो लोग बनाते हैं और वो लोग इस तरह की प्लांटेशन करते हैं और वो बेचते हैं प्लांट्स।
तो दैट इज कॉल्ड नर्सरी बिजनेस। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के बिजनेस में एंगेज है, नर्सरी बिजनेस है, देन अगेन वो एग्रीकल्चर इनकम ही होता है। फोर्थ पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई लैंड या बिल्डिंग है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास एक लैंड या बिल्डिंग है और हमने उस लैंड या बिल्डिंग को रेंट पर दे दिया किसी फार्मर को, वो लोग क्या करते हैं, वो इसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास तो लैंड और बिल्डिंग था, हो सकता है हम किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, बट हमारे पास गांव में एक लैंड था या फिर बिल्डिंग थी। बिल्डिंग का मतलब होता है कि उसी खेत में कुछ हमारे पास एक जगह बनी हुई थी, दो या तीन रूम्स, जहाँ पर वो अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह स्टोर भी कर सकता है, राइट। तो अगर हमने उसको रेंट पर दे दिया, हम किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, हम कहीं कुछ जॉब कर रहे हैं, साथ साथ में हमें वो रेंट भी आता है, हम लोग कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, आई एग्री, बट उस लैंड से या उस बिल्डिंग से जो रेंट आता है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर इनकम। यानी कि इफ यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, वहां से जो सैलरी मिलती है वो तो आपकी नॉर्मल इनकम है, टैक्सेबल है, बट आपको रेंटल इनकम भी हो रही है। बट रेंटल इनकम कहाँ से हो रही है? ऐसी लैंड से या ऐसे बिल्डिंग से जो यूज हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। आपने किसी फार्मर को या किसी व्यक्ति को दिया है जो उसके ऊपर फार्मिंग कर रहा है, तो दैट इनकम जो रेंटल इनकम आ रही है, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम, राइट। बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट, ओनली सब्सिक्वेंट, नॉन एग्रीकल्चर। नर्सरी बिजनेस और रेंटल इनकम लैंड या बिल्डिंग से, वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग कंपोजिट इनकम आती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर किसी का टी बिजनेस है, वो टी ग्रो भी कर रहा है, फिर उसके बाद उसको कटिंग करने के बाद टी लीव्स वहां से प्लक होती हैं और फिर वो अपनी फैक्ट्री में लेकर आते हैं और फैक्ट्री में उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो पैकेट्स में बंद होती है टी, तो यानी कि जब वो अपनी फैक्ट्री में लेकर आया तब उसकी बिजनेस इनकम होनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर उसका मिक्स है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। इस केस में हम उसकी इनकम को, जितना भी उसकी पूरी एक्टिविटीज से इनकम आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, वहां से लेकर लास्ट तक हम देखेंगे उसकी टोटल इनकम कितनी है, उस टोटल इनकम को हम बाइफरकेट करेंगे। तो इनकम टैक्स ने हमें ये सिंपल रूल्स बताए हैं कुछ बिजनेसेस के लिए, जैसे कि टी, कॉफी और रबर के लिए, ठीक है। रूल 7A, 7B और रूल 8 है, बट रूल नंबर याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि उस इनकम का कितना परसेंट हम एग्रीकल्चर मानेंगे और कितना परसेंट हम नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे। नॉन एग्रीकल्चर मतलब वो हमारी नॉर्मल इनकम कहलाई जाएगी और वो टैक्सेबल होगी। इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि जो ज्यादा अमाउंट है वो एग्रीकल्चर अमाउंट माना गया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100% आपकी इनकम आ रही है, जो मेजोरिटी में जाएगा ना परसेंटेज, वो आपकी एग्रीकल्चर माना जाएगा, और जो माइनॉरिटी में रहेगा, जो कम वैल्यू रहेगी, वो नॉन एग्रीकल्चर रहेगी। तो देखिए, अगर आपका असेसी का एक रबर का बिजनेस है, जिसको हम लेटेक्स बिजनेस भी बोलते हैं, उस केस में जितनी भी उसकी इनकम आ रही है, वो क्योंकि उसका मिक्स ऑपरेशन है, वो लोग रबर ट्री ग्रो भी करते हैं, उसके बाद उसको अपनी फैक्ट्री में लेकर आते हैं, उसको रबर को प्रोसेस करते हैं, यानी कि दोनों ही ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी जो टोटल इनकम आ रही है उस एक्टिविटीज करने से, प्लीज उसको 35% बिजनेस की तरफ मानिएगा और 65% एग्रीकल्चर इनकम की तरफ मानिएगा। दीज आर द परसेंटेजेस जो हमें आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, राइट। तो 35% बिजनेस, 65% एग्रीकल्चर, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अगर वो कॉफी का बिजनेस कर रहा है, अब कॉफी अगर वो सिर्फ ग्राउंडेड और क्योर कर रहा है, सिर्फ ग्रो कर रहा है और क्योर कर रहा है उसको, ठीक है, क्योर का मतलब थोड़ा सा उसको प्लग कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है उसकी, तो 25% बिजनेस इनकम और 75% एग्रीकल्चर इनकम की तरफ रखिएगा। बट अगर वो कुछ और भी एक्टिविटीज कर रहा है उसके ऊपर, यानी कि थोड़ा सा और बिजनेस पर्पज के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि उसको रोस्टेड भी कर रहे हैं, हमें कॉफी को रोस्ट करना पड़ता है, और उसको ग्राउंडेड कर रहे हैं उसको, यानी कि क्रश कर रहे हैं, तो इन केस में उसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं, यानी कि बिजनेस इनकम हम और ज्यादा बढ़ा देंगे। 40% इस केस में हम नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे और 60% एग्रीकल्चर मानेंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, रबर के लिए जितनी भी इनकम आ रही है पूरी एक्टिविटीज से, क्योंकि एग्रीकल्चर भी है नॉन एग्रीकल्चर भी है, ज्यादा अमाउंट किस तरफ रखेगा, एग्रीकल्चर की तरफ, 35%, 65%। अगर कॉफी का पर सिर्फ ग्रो और क्योर हो रही है 25%, 75%, इनकेस वो रोस्टेड और ग्राउंडेड भी हो रही है, तो ऑब्वियसली लॉजिकल है कि थोड़ा सा और ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ये बिजनेस इनकम हमें बढ़ानी पड़ेगी 40% और 60%। टी के लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, वो टी ग्रो भी करते हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं, तो उस केस में 40% बिजनेस इनकम और 60% हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है।
आई एम टेलिंग यू दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारी कभी भी कोई ऐसी इनकम आती है जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर भी होगी, तो हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है कितनी एग्रीकल्चर है और कितनी नॉन एग्रीकल्चर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इनकम टैक्स ने तीन बिजनेसेस के लिए तो बता दिया, बट ऐसे और भी दूसरे बिजनेस भी तो हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो शुगर मैन्युफैक्चर करता है, वो शुगर मैन्युफैक्चर करता है और वो शुगर केन ग्रो भी करता है, राइट। तो वो शुगर केन जब तक ग्रो कर रहे हैं, वो गन्ने जब तक वो ग्रो कर रहे हैं, राइट, तो वो एग्रीकल्चर है। उसके बाद वो कट करने के बाद उसको अपनी फैक्ट्री में लेकर आते हैं, उससे शुगर बनाते हैं, तो यहाँ पर भी तो दोनों एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसके लिए परसेंटेजेस इनकम टैक्स ने नहीं बताई है। या फिर और भी बिजनेस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति मैंगो जूस बनाता है, उसके पास मैंगो ट्रीज भी हैं, तो वो मैंगो ट्रीज ग्रो करते हैं, वहाँ से फ्रूट्स आते हैं, वो प्लक करते हैं, वो वहाँ तक तो हमारी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो गए। उसके बाद वो अपना फ्रूट्स, वो मैंगोज लेकर अपने बिजनेस में आते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं जूस में, राइट। तो उसके लिए हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे, बट क्योंकि इनकम टैक्स ने सिर्फ तीन ही बिजनेस के बारे में दिया है, बाकी बिजनेस के बारे में उन्होंने एक हमें तरीका बता दिया कि आप कैसे सेग्रीगेट करिए, और ये तरीका बहुत ईजी होता है करना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि एक शुगर वाला बिजनेस है, एक मिस्टर एक्स हैं और ये शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं, और सिर्फ इनका अगर सिर्फ इनका खाली शुगर मैन्युफैक्चरिंग का ही काम होगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये शुगर केन कहीं और से परचेज करते होंगे और फिर उसको शुगर में कन्वर्ट करते होंगे, फिर तो वो प्योरली बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि ये पहले शुगर केन ग्रो भी करते हैं और उसके बाद अपनी ही फैक्ट्री में लेकर आके शुगर प्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां से इन्होंने अपना वो शुगर केन का वो प्लांट ग्रो किया था, वहां से लेकर लास्ट में यहाँ पर इन्होंने वो सीड पहले सबसे पहले वो सो की होगी, यानी कि सॉइल के अंदर वो क्रॉप बड़ा होने दिया होगा, सीड से लेकर लास्ट में शुगर तक यहाँ पर आ रहे हैं। तो इतनी सारी एक्टिविटीज में से हम कितनी एग्रीकल्चर और कितनी नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे, तो हमें पता है पहले ये सीड है, पहले इसको ग्रो करेंगे, इसको प्लांटेशन करेंगे, इसका वाटरिंग वगैरह जो भी ट्रीटमेंट होता है एग्रीकल्चर का वो सब कुछ करेंगे, फिर ये शुगर केन का पेड़ बड़ा हो जाएगा प्लांट, उसके बाद कटिंग करेंगे, यहाँ पर ये शुगर केन में कन्वर्ट हो गया, उस शुगर केन को लेकर आया गया और फिर शुगर बनाई गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस पोर्शन में इनका एग्रीकल्चर हुआ, ये पोर्शन इनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये इनका नॉर्मल बिजनेस है, राइट। तो आप ऐसे ही करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पर हो रहे हैं, यानी कि कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, वो आप एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस मानेंगे। और फिर इतनी इनकम को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, यहाँ पर हम इसकी मार्केट वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। वो हमें इसकी मार्केट वैल्यू चाहिए होगी जो हमें मेनली क्वेश्चन में गिवन होती है। तो आप इसकी मार्केट वैल्यू देख लीजिए, लेट से आपने शुगर बेचा रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज का, और इसमें आपके कुछ खर्चे भी हुए, फॉर एग्जाम्पल आपके कल्टिवेशन एक्सपेंसेस हुए 200 के और आपके प्रोसेसिंग के भी एक्सपेंसेस होंगे, जब शुगर केन आपकी फैक्ट्री में आएगा उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं शुगर में, तो यहाँ पर भी आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे। मान लेते हैं कि आपके एक्सपेंसेस हुए 400 के, तो देखा जाए तो आपने शुगर को सेल किया 1000, आपके 200 कल्टिवेशन एक्सपेंसेस थे, 400 शुगर को प्रिपेयर करने के एक्सपेंसेस थे, टोटल 600 के एक्सपेंसेस थे, और आपको जो प्रॉफिट हुआ, जो टोटल प्रॉफिट है, योर टोटल प्रॉफिट इज 400, एग्री है, सिंपल था कैलकुलेट करना, 1000 की शुगर को बेचा और टोटल आपके 600 के एक्सपेंसेस थे, टोटल प्रॉफिट 400 का हो गया। अब इस 400 का प्रॉफिट में हमारा एग्रीकल्चर इनकम भी है और बिजनेस इनकम भी है, तो हम इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शुगर केन की मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए। जब ये शुगर केन को हम लेकर आए थे अपनी फैक्ट्री में, तो इस शुगर केन की मार्केट वैल्यू क्या थी, तो लेट से हमें पता चला कि शुगर केन की मार्केट वैल्यू 300 रुपीज, हमने इसको 200 रुपीज का तो खर्चा किया था शुगर प्लांटेशन का, ठीक है, एग्रीकल्चर का, और यहाँ पर इसकी मार्केट वैल्यू थी 300 रुपीज। तो बस यहाँ पर आपका स्प्लिट पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे खुद बता सकते हैं आप कि इनके एग्रीकल्चर से लगभग इनकम कितनी आएगी,
तो हम बोलेंगे कि सर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है एक तरीके से 300 का, एक्चुअली बिक नहीं रहा है, बट हम उसकी डीम्ड मार्केट वैल्यू देखेंगे, वो 300 का बिक रहा है यानी कि सेल हो रहा है, और 200 हमारे एक्सपेंसेस हैं। 300 माइनस 200 यानी कि 100 की इनकम तो हमारी हो गई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और आप देख सकते हैं शुगर केन यहां पर 300 की मार्केट वैल्यू थी, अगर देखिए यहां से बेचा जाएगा तो इसका मतलब यहां से परचेज होगा, ठीक है। एक्चुअली वो एक्चुअल सेल नहीं हुआ, एक्चुअल परचेज नहीं हुआ, बट हम डीम्ड मान रहे हैं कि अगर शुगर केन यहां से बेचा जाता तो वो 300 का बेचा जाता, और अगर ये सिर्फ और सिर्फ अगर बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे होते तो ये शुगर केन परचेज करते कितने का, 300 का। तो 300 इनका परचेज प्राइस हुआ, 400 इनके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए थे जो इनकी फैक्ट्री में हुए थे, यानी कि 700 के इनके एक्सपेंसेस थे, 1000 माइनस 700 हो जाता है 300। तो हमारा ये जो 400 था वो इजिली स्प्लिट हो गया बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, राइट। तो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से दिया है आपको, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो मैंने आपको बताया है इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस, अगर आपकी कंपोजिट इनकम आ रही है बट वो आपका बिजनेस रबर का नहीं है, कॉफी का नहीं है, टी का नहीं है, कोई दूसरा बिजनेस है, तो उसकी आप सेग्रीगेशन कैसे करेंगे, तो बिजनेस इनकम में कैसे देखेगा, तो बिजनेस इनकम आपने कैसे देखा, शुगर कितने की बिक रही है एक्चुअल प्राइस माइनस जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए और इसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, राइट। और आपकी एग्रीकल्चर इनकम की, इसकी मार्केट वैल्यू आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जब आपने इसको प्रोड्यूस किया तो लास्ट में इसकी मार्केट वैल्यू क्या थी माइनस जो भी आपके कल्टीवेशन एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डीम्ड एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकाला, डीम्ड मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर की डीम्ड मार्केट वैल्यू क्या थी, ये आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, माइनस एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, वहां से हमारा 100 रुपीज आया था वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम थी, और सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स माइनस डीम्ड मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्लस आप इसमें से कल्टीवेशन एक्सपेंसेस और इसमें ऐड कर, सॉरी प्लस इसमें जो भी आपके इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस थे वो भी माइनस कर दीजिए, यानी कि दो चीज आपको माइनस करनी होंगी, गिव मी अ मिनट, सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स माइनस डीम मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस आपके जो भी इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस हुए हैं, दिस विल गिव यू योर बिजनेस इनकम, गॉट इट, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है, दूसरी चीज क्या हमारी कोई भी इनकम जो इंडिया के बाहर से आ रही है एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, क्या वो इनकम हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, या वेदर दैट वुड बी टैक्सेबल, वो हमारी टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, प्लीज ये बात याद रखिएगा, ये टेबल आपको याद रखना होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछा चला जाता है कि रबर के लिए बोल देंगे, टी के लिए बोल देंगे, कॉफी के लिए बोल देंगे, कॉफी के लिए दो चीजें याद रखिएगा, अगर आप रोस्टेड और ग्राउंडेड भी कर रहे हैं तो 40%, 60%, अगर आप सिंपल ग्रो और क्योर कर रहे हैं तो 25% और 75%, गेटिंग इट, ओके। अब हम ये ऐसा कर क्यों रहे थे, देखिए अगर किसी भी असेसी की अगर एग्रीकल्चर इनकम आती है तो हम उसको बोल देंगे कि वो तो एग्जेम्प्ट ही है, ठीक है, हमें ये अपनी रिटर्न में हमें सिर्फ शो करना पड़ता है कि हमारी एग्जेम्प्ट इनकम है, ऑल्दो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, बट फिर भी हमारे पास जब हम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं तो वहां पर एक कॉलम होता है जितनी भी हमारी एग्जेम्प्ट इनकम होती है हमें डिपार्टमेंट को बतानी होती है, करेक्ट। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर इनकम को हम कंसिडर करते हैं अपने टैक्स कंप्यूटेशन के पर्पस के लिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हम टैक्स तो नहीं लगाते बट हम उसको कंसिडर करते हैं अपने टैक्स कंप्यूटेशन पर्पस के लिए, इसको जरा एक बार ध्यान से समझिएगा। हम लोगों को पता है हमारे स्लैब रेट्स क्या हैं, अगर मैं न्यू स्कीम के बारे में बातें करता हूँ, मैं दोनों स्कीम से आपको समझा सकता हूँ, कोई भी स्कीम ले लेते हैं, लेट्स से डिफॉल्ट स्कीम में ले रहा हूँ जो न्यू स्कीम है हमारी, हम लोग जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, अगर उसकी इनकम 0 से लेकर 3 लाख है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, दिस इज एज पर प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 के स्लैब रेट्स की मैं बात ही कर, तो 0 से लेकर 3 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से जब वो आगे जाता है 3 लाख टू 6 लाख आपको पता है 5% टैक्स है, 6 लाख टू 9 लाख टैक्स है 10%, 9 लाख से जब ऊपर जाते हैं अप टू 12 लाख 15%, 12 लाख से ऊपर जाते हैं अप टू 15 लाख तो 20%,
और 15 लाख से अबव जितना भी जाएं आप इन्फिनिटी तक 30% का टैक्स रेट होता है, राइट। हम लोग जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है हम आपका टैक्स रेट भी बढ़ाते रहते हैं। मेनली लॉजिक यही है इसका, स्लैब रेट्स का प्रोग्रेसिव टैक्स है। जो लोग ज़्यादा इनकम नहीं अर्न कर रहे हैं हम उनके ऊपर कम रेट लगाएंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स के स्लैब्स भी बढ़ते रहेंगे। यानी कि मैं एक सिंपल तरीके से ये कह सकता हूँ, जैसे जैसे असेसी अमीर होता है उसके टैक्स रेट्स भी बढ़ते रहते हैं। अब प्लीज़ बताइएगा, अगर एक व्यक्ति है, देयर इज़ अ पर्सन, अगर उनकी इनकम सिर्फ 3 लाख है टोटल इनकम, यानी कि वो ज़्यादा इनकम टैक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं है, राइट। 0 से 3 लाख की इनकम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। अगर उसकी इनकम 4 लाख है तो हमें पता है शुरू के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देंगे, बाकी के रिमेनिंग 1 लाख पर 5% देंगे। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होता है हम उसके टैक्स रेट्स बढ़ाते रहते हैं। अब प्लीज बताइएगा, देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए की सैलरी इनकम आती है 4 लाख रुपीस की। सिर्फ मैंने कहा सैलरी इनकम आती है 4 लाख रुपीस की, आप बोलेंगे ठीक है सर बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति नहीं है, इनके ऊपर जो स्लैब रेट लगेगा शुरू के 3 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं देना, और बाकी के 1 लाख के ऊपर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और बाकी के 1 लाख के ऊपर 5% दीजिएगा, बिकॉज ही इज नॉट अ वेरी रिच पर्सन। ओके, करेक्ट। अगर मैं आपसे ये बोल देता हूं कि मिस्टर ए की एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, इनकी एग्रीकल्चर इनकम भी आती है रुपीज 15 लाख, इनकी 15 लाख की एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, अब प्लीज बताइएगा मिस्टर ए एक गरीब व्यक्ति हैं या इनकी एक बहुत अच्छी खासी इनकम हो रही है। अगर देखा जाएगा, वी अंडरस्टैंड ये टैक्सेबल नहीं होती, आई अंडरस्टैंड ये टैक्सेबल नहीं होती, बट प्लीज मुझे ये बता दीजिएगा, इज ही अ पुअर असेसी और अ रिच असेसी? सर ही इज अ रिच असेसी। इनकी तो वैसे देखा जाए तो 19 लाख, इनके घर में 19 लाख रुपीज की इनकम आ रही है, सो ही इज नॉट दैट पुअर, राइट। तो मेनली ये स्लैब रेट्स दिए क्यों हैं? ये स्लैब रेट्स इसलिए दिए हैं कि अगर आपकी ज्यादा इनकम आ रही है तो आप ज्यादा टैक्स दीजिए, और इस केस में इनकी ज्यादा इनकम आ रही है। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री कि इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बट हम इस इनकम को कंसिडर जरूर करेंगे इनका टैक्स निकालने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए क्या इनको टैक्स रेट ये कम वाला परसेंटेज देना चाहिए या ज्यादा वाला परसेंटेज देना चाहिए, यानी कि ये अमीर हैं या कम अमीर हैं। तो सिर्फ हम एग्रीकल्चर इनकम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो जब कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है जहां पर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन वगैरह, आईएफओएस, और एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है, और जब आप अपना टैक्स रेट लगाएं तो प्लीज आप ये चीजें भी कंसिडर करें कि ये अमीर है या गरीब है। तो इसके लिए इनकम टैक्स ने एक प्रोविजन बताया है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है। स्टेप वन, सबसे पहले आपको अपनी टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपनी टोटल इनकम होती है जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, यानी कि 4 लाख प्लस 15 लाख, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड कर दीजिए एग्रीकल्चर इनकम को। इसका मतलब हमारे इस केस में 19 लाख के ऊपर पहले टैक्स लगाइए, 19 लाख के ऊपर 4 प्लस 15, 19 लाख के ऊपर आप टैक्स लगाइए। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में आप सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है आपकी, लेट से अगर आप डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। इनकेस अगर आप फॉलो कर रहे हैं ऑप्शनल टैक्स रिजीम तो आपकी बेसिक लिमिट 2.5 लाख होती है, अगर सीनियर सिटीजन है प्लस रेसिडेंट है तो 3 लाख होती है, और सुपर सीनियर सिटीजन तो 5 लाख होती है, राइट। 0 से 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना होता, यानी कि 5 लाख उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो स्टेप 2 होगा, जो भी हमारा स्लैब रेट में आ रहे हैं, हमारी जो भी इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, आपको पता है 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब हमें उस लिमिट तक कोई टैक्स नहीं देना है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स बता दीजिएगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स बता दीजिएगा, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम 15 लाख, इसका मतलब 18 लाख के ऊपर टैक्स निकालिए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, स्टेप 1 में आपको अपनी जो भी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर दोनों को मिलाकर टैक्स निकालिए विदाउट सेस, अभी सेस मत लगाइएगा, सिर्फ नॉर्मल टैक्स निकालिए। स्टेप 2 में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम, जो भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, अगर आप न्यू स्कीम में आ रहे हैं तो 3 लाख,
ऑप्शनल स्कीम में आ रहे हैं तो 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख एज द केस में भी, सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, तो हो जाएगा 18 लाख। इन दोनों के ऊपर टैक्स निकालिए, जरा जल्दी से निकालते हैं। लेट्स से डिफॉल्ट स्कीम में है तो इसके ऊपर हमें टैक्स निकालना होगा, तो 19 लाख के ऊपर टैक्स आता है अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो शुरू के 3 लाख पर अगर मैं 19 लाख के ऊपर टैक्स निकालता हूं, लेट्स से हम 19 लाख के ऊपर टैक्स निकालते हैं, फर्स्ट 3 लाख पर टैक्स नहीं आएगा, नेक्स्ट 3 लाख पर 3 टू 6 पर 5% आएगा यानी कि 15,000, नेक्स्ट 3 लाख पर 10% आएगा यानी कि 30,000, नेक्स्ट 3 लाख पर 15% आएगा 45,000, नेक्स्ट 3 लाख पर 20% आएगा यानी कि 60,000, एग्री हैं। नेक्स्ट 3 लाख सॉरी हम यहां पर 15 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 15 लाख हो चुका है, और रिमेनिंग 15 लाख के अबव तो 30% आएगा, यानी कि 19 लाख में से ऑलरेडी 15 हो चुका है। नेक्स्ट 4 लाख पर आपका 30% टैक्स आएगा, 1,20,000 ऐड कर दीजिएगा, 15,000 + 30,000 + 45,000 + 60 + 120 2,70,000 आपका 2,70,000 टैक्स आ रहा है। अभी सेस नहीं लगाना है आपको, सेस अभी बाद में लगाना है, तो 19 लाख के ऊपर टैक्स आ जाता है 2,70,000, तो हमारा 19 लाख के ऊपर टैक्स आएगा 2,70,000 का। इसी तरीके से 18 लाख के ऊपर टैक्स निकालिए, 18 लाख कैसे आया था, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम, तो 18 लाख के ऊपर टैक्स आएगा, तो ऑलमोस्ट मैं इसी को ही मॉडिफाई कर लेता हूँ थोड़ा, कि 18 लाख के ऊपर टैक्स क्या आएगा, फर्स्ट 3 टैक्स 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3 15 हो गया, और लास्ट में आएगा 3 लाख, क्यों, 15 के बाद जो रिमेनिंग बचा 18 - 15 = 3 लाख के ऊपर 30% दैट इज 90,000 रुपीज, तो ये 2,40,000 हो जाएगा। आई बिलीव एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 15 + 30 + 45 + 60 + 90, तो दिस इज 2,40,000, इसके ऊपर टैक्स आया हमारा 2,40,000 रुपीज का। अब आपको करना है स्टेप वन माइनस स्टेप टू, यानी कि अगर एक मिनट के लिए आप इसको ना देखें तो आप क्या कर रहे हैं, आपने 19 लाख के ऊपर टैक्स निकाला, ये था आपकी टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, और यहाँ पर आपने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स निकाला और इन दोनों को माइनस किया, यानी कि आप एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाना नहीं चाहते हैं तो आपने उसको माइनस कर दिया, राइट। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों ली, क्योंकि वहां तक तो टैक्स लगता नहीं है, तो आपका जो यहाँ पर टैक्स आएगा वो सिर्फ उस इनकम के ऊपर आएगा जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, यानी कि हमारी 15 लाख तो टैक्सेबल इनकम थी नहीं, 4 लाख हमारी टैक्सेबल इनकम है, बट इसमें से शुरू के 3 लाख तो एग्जेम्प्ट होंगे ना, करेक्ट, उसकी 3 लाख की तो एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी कि कुल मिलाकर हमारी 1 लाख की ही इनकम ही टैक्सेबल होती है। तो हमारे पास जो टैक्स आएगा स्टेप वन माइनस स्टेप टू, उस इनकम के ऊपर जो हमारी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए वो आता है 30,000 रुपीज, इसके ये हमारा टैक्स बनेगा। अब आप इसके ऊपर सेस ऐड कर दीजिएगा एट रेट ऑफ 4%, तो आपका यहां पर आ जाएगा 30,000 × 4% 1200 रुपीस, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 31,200, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। यहाँ पर एक रिबेट का भी पोर्शन आएगा क्योंकि हमारी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा की नहीं है, 7 लाख रुपीस से ज़्यादा की नहीं है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। रिबेट का पोर्शन मैं अभी 2 मिनट में समझाता हूँ, पहले मैं वापस पहले आपको ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम ये स्टेप्स ऐसा नहीं करते, तो इसका मतलब हम एग्रीकल्चर इनकम को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, हम एग्रीकल्चर इनकम को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, तो उस केस में हम 4 लाख पर जब हम टैक्स लगाते तो हम बोलते हैं कि 3 लाख तो एग्जेम्प्ट है सर, और बाकी के 1 लाख पर 5% लगाते, बाकी के 1 लाख पर 5% लगाते, और 1 लाख के ऊपर 5% आता सिर्फ 5,000 रुपये, ओनली 5,000 रुपीज़, राइट। ये मानते हुए कि ही इज नॉट अ वेरी रिच असेसी, क्योंकि 5%, 10%, 15% ये कम रेट कब मिलते हैं, जब असेसी बहुत ज्यादा रिच नहीं है, राइट। बट इस केस में अगर हम इनके 1 लाख के ऊपर 5% लगाते तो एक्चुअली ये प्रोविजंस डिफीट हो जाते, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि जिस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आप अमीर होते हैं तो आप हायर रेट ऑफ टैक्स पर आते रहेंगे। तो इस केस में जब हमने देखा कि मिस्टर ए एक अच्छे खासे
अमीर व्यक्ति हैं उनकी एग्रीकल्चर इनकम भी आती है 15 लाख रुपीज, और माना कि वो एग्जेम्प्ट है बट फिर भी हैं तो ये अमीर व्यक्ति, तो अगर ये अमीर हैं तो इनके ऊपर टैक्स तो हायर रेट से लगना चाहिए, करेक्ट। तो इसलिए जब हम इस तरीके से करते हैं अपने एग्रीकल्चर इनकम को भी इंक्लूड करके और फिर हमने एग्रीकल्चर इनकम को माइनस भी कर दिया, तो हमारे पास जो टैक्स आता है वो एक्चुअल टैक्स आता है जो इनसे सही टैक्स लेना चाहिए। अब मुझे प्लीज बताइएगा, 4 लाख के ऊपर, 4 लाख में से 3 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ये तो बोलेंगे सर 3 लाख की तो एग्जेम्प्शन चाहिए, और बाकी के 1 लाख के ऊपर हम इनको 5% नहीं लगाएंगे, हम अकॉर्डिंगली देखते हैं कि ये कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो ये अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर टोटल देखा जाए तो ये 19 लाख मतलब 15 लाख से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो ये 30% के रेट पर आएंगे। तो 4 लाख में से शुरू के 3 लाख पर तो कुछ नहीं लगा, बाकी के 1 लाख पर क्योंकि ये काफी अमीर थे तो 30% टैक्स लग गया, यानी कि 30,000। दैट इज द रीजन हम लोग इस तरीके से करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको इग्नोर कर देते तो हमारा टैक्स रेट आ तो जाता बट वो कम आता और वो गलत होता, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल कंप्यूट। अब एक रिबेट की बात और समझ लीजिएगा, अब 30,000 का हमारे पास टैक्स आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप वन में टोटल इनकम जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम है प्लस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकालिए, अभी सेस मत लगाइए, अभी रिबेट भी मत दीजिए, ठीक है। स्टेप टू, रिबेट तो तब देंगे अगर वो उसकी टोटल इनकम बेसिक हमारी 5 लाख, अगर पुरानी स्कीम है तो 5 लाख और न्यू स्कीम है तो 7 लाख से ज़्यादा नहीं है तो रिबेट भी मिलती है आपको पता है रेसिडेंट इंडिविजुअल को। स्टेप टू में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कीजिए, इनका डिफरेंस लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस आया। अब देखिए क्या इनको रिबेट मिलनी चाहिए। अब रिबेट वाला हमारा सेक्शन 87A क्या कहता है, 87A ये कहता है कि अगर एक असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, सिर्फ वो रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी और किसी को नहीं मिलती है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा तो भी नहीं मिलेगी, HUF, AOPBOI, पार्टनरशिप फर्म कंपनी होगी उनको भी नहीं मिलती, इट इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, याद आ गया 87A। ओके, रेसिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलती है अगर उनकी टोटल इनकम, अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम की बातें करता हूं तो हमें पता है 7 लाख रुपीज से अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं है टोटल इनकम, और टोटल इनकम क्या लेते हैं, क्या हम टोटल इनकम को, एक लेमैन तो बोलेगा सर टोटल इनकम इनकी 19 लाख है, बट हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग टैक्स कंसल्टेंट हैं, ठीक है, अब हम लोग टैक्स स्टूडेंट हैं तो हम लोग जानते हैं कि टोटल इनकम में सिर्फ वही इनकम आती है जो टैक्सेबल इनकम होती है, ये तो सेक्शन 10 की इनकम होती है, इसको क्या बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम, और इसका अगर पूरा नाम भी आपको याद है इसका पूरा नाम होता है इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ऐसी इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती, यानी कि इसको हम टोटल इनकम में नहीं बोलते। एक लेमैन बोलेगा टोटल इनकम से टोटल का मतलब होता है सबका सम कर दो 4 + 15 = 19, बट हमें पता है कि इसका टोटल सम नहीं करना है बिकॉज ये होती है सेक्शन 10 की इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, पूरा नाम क्या है इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। तो इसका मतलब 87 ये कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा की नहीं है डिफॉल्ट स्कीम में, ठीक है, और वो ऑप्शनल स्कीम में 5 लाख की लिमिट है, यहाँ पर है 7 लाख की लिमिट, तो हम आपको रिबेट देंगे। कितनी रिबेट देते हैं, जितना भी आपका टैक्स आता है और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, याद आता है रिबेट 25,000। तो प्लीज बताइए क्या यहाँ पर इस केस में इनको रिबेट मिलेगी, द आंसर इज येस, इनको यहाँ पर रिबेट भी मिलेगी क्योंकि इनकी टोटल इनकम है 4 लाख रुपीज विच इज नॉट मोर देन 7 लाख, तो इनको रिबेट भी मिलेगी। तो जब यहाँ पर आप स्टेप वन माइनस स्टेप टू करेंगे 30,000, तो प्लीज क्योंकि ये रिबेट के लिए भी एलिजिबल थे तो इसमें से लेस कीजिएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और वो होगा जितना इनका टैक्स बना, टैक्स इनका बना है 30,000 और हमारे पास लिमिट है ₹25,000 विच एवर इज लोअर, तो 25,000 इज लोअर अमाउंट आया, 25,000 की रिबेट और इनका टैक्स बना 5,000, इसमें अब आप सेस ऐड कीजिए 4% सेस, 5,000 के ऊपर आप प्लस 4% सेस ऐड कीजिएगा 250 इज देयर टैक्स लायबिलिटी, ये इनकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। आप अगर इसको चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये बातें मैंने आपको बुक में भी दी हैं, अगर आप देखेंगे अपनी बुक में देखिएगा हाउ टू कंप्यूट टैक्स इन केस ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, जहां पर आपकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों आती हैं,
तो कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम विदाउट सेस। स्टेप टू, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट विदाउट सेस। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिफॉल्ट स्कीम में 3 लाख और ऑप्शनल स्कीम में 2.5 लाख, सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन 3 लाख या 5 लाख। स्टेप थ्री, स्टेप वन माइनस स्टेप टू, फिर इस पर सेस अप्लाई कीजिएगा। बट सेस से पहले एक बार देख लीजिएगा कि क्या वो रिबेट के लिए एलिजिबल हैं। अगर वो रिबेट के लिए एलिजिबल हैं जैसे हमने अभी देखा था, तो रिबेट दीजिए, फिर सेस ऐड कीजिए और इस तरीके से हमारी ये इनकम आ जाती है, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रखिएगा, ये हम इस तरह की कैलकुलेशन तभी करते हैं जब हमारी नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इनकम आ रही हो, प्रोवाइडेड हमारी ये एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज से ज्यादा की हो। 5,000 रुपीज से ज्यादा की हो तभी आपको ऐसा करना है। अगर ये 5,000 रुपीज से ज्यादा की नहीं है तो फिर इसको मान लेते हैं 4,000 की होती, फिर इसको हम पूरी तरीके से छोड़ देते और 4 लाख पर नॉर्मली टैक्स निकालते। ये स्टेप्स फिर फॉलो नहीं होते आपके, ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी अप टू 5,000 है तो फिर इसको पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, इसको कैलकुलेशन भी मत कीजिए इस तरीके से। आप नॉर्मल जितनी भी आपकी दूसरी इनकम है उसके ऊपर टैक्स निकाल देंगे, करेक्ट। और एक लास्ट बात जो मुझे आपके साथ करनी है, मान लेते हैं कि हमारा टी का बिजनेस है, कॉफी का बिजनेस है, रबर का बिजनेस है, जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों की हमारी इनकम आती है, और एक हम ऐसा असेट यूज करते हैं, हमारा पास ऐसा असेट है जिसको हम एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं। तो कुछ लोगों का मानना था क्योंकि हमें उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो एग्जम्प्ट इनकम होती है। बट लॉ ने ये क्लैरिफाई किया कि अगर कोई भी असेट दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके ऊपर हम पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन ही मानते हुए चलते हैं और उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू 100% डेप्रिसिएशन जो भी उसके ऊपर रेट लगता है 15% 40% व्हाटएवर द रेट इज, उसके बाद ही उसकी माइनस करने के बाद ही रिटर्न ऑन वैल्यू आती है। यानी कि ये कोई भी यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम लेने वाली बातें नहीं है कि अगर जितना एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुआ तो उसका डेप्रिसिएशन क्या हम उसको नहीं देंगे। द आंसर इज नहीं, हम उसको पूरा डेप्रिसिएशन ही कंसिडर करेंगे। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द असेट, वेयर द इनकम ऑफ द असेट इज डिराइव्ड इन पार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड पार्ट फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर। अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर से दोनों से आती है, द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द असेट, जो आपके असेट की वैल्यू है, वो एंटायर डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करें नॉर्मली, और जो अगले साल की रिटर्न ऑन वैल्यू होगी वो पूरा डेप्रिसिएशन आप माइनस कर सकते हैं, उसमें से एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर का अलग अलग ना करें, और आपका जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट ईयर की वैल्यू आप ले जा सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इनकम। प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और इनकेस अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आ जाए, एमसीक्यू आ जाए कि हमारी 10 लाख की इनकम है, 10 लाख की इनकम है जो टी बिजनेस से आई है, 10 लाख की इनकम है जो हमारी टी बिजनेस से आई है, प्लीज़ बताइए कि उसमें से एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कितनी है। तो आप सिंपल बोलेंगे, सर इसमें से 40% और 60% होता है, और याद करने का तरीका क्या है, जो ज़्यादा वाला अमाउंट है वो एग्रीकल्चर की तरफ जाएगा। तो 10 लाख में से 4 लाख हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगी और 6 लाख हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले आपसे कि इनका टैक्स निकालिएगा, तो क्या प्लीज बताइए 6 लाख को पूरा इग्नोर कर देंगे और 4 लाख पर टैक्स निकालेंगे, या जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है स्टेप वाइज उस तरीके से टैक्स निकालेंगे। सर हम तो उसी तरीके से टैक्स निकालेंगे, स्टेप वन पहले दोनों इनकम को ऐड किया फिर टैक्स निकाला, स्टेप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया फिर टैक्स निकाला, दोनों का डिफरेंस लिया, अगर रिबेट मिल रहा है तो रिबेट देंगे, वरना उसके ऊपर सेस लगाकर टैक्स लायबिलिटी भी निकाल देंगे। तो आई बिलीव आपको एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।